आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बेगूसराय में उस वक्त छोराही थाना पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला महासचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने छोराही थाने पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के महासचिव धर्मेंद्र सिंह के द्वारा 25 दिसंबर को अटल जयंती के अवसर पर छोराही प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामकिशोर शर्मा और भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला महासचिव के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामकिशोर शर्मा के द्वारा छोराही थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। आज जब मालपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर नामांकन करने छोराही प्रखंड मुख्यालय परिसर में आए हुए थे, उसी दरमियान छोराही थाने के पुलिस ने धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के महासचिव धर्मेंद्र सिंह के ऊपर छोराही थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। उसी मामले में आज अचानक छोराही थाने के पुलिस ने धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना जब भाजपा कार्यकर्ताओं को लगी तो इस गिरफ्तारी से नाराज होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोराही थाना पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता का आरोप है कि बिना वारंट किए हुए थाना प्रभारी के द्वारा भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया, इसी से नाराज होकर आज छोराही थाने पर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। गिरफ्तारी हुई है, इसमें पूर्व में 27/12 से वो केस हुआ था, जिसमें उस समय DO साहब के साथ कुछ लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। हल्का फुल्का मारपीट की बात आई थी और सरकारी संपत्ति को भी छेड़छाड़ करने का बात प्रकाश में आया था। उसी में केस चार निम्नलिखित बनाए गए थे। चार निम्नलिखित में एक धर्मेंद्र कुमार सिंह या प्रसाद सिंह जो है, उसके बाद एक हैं ये राम कुमार वर्मा और तीसरे हैं संजीव कुमार यादव। ये तीन आदमी थे जिसमें ये आज नॉमिनेशन करने आए थे। ये पहले चुनाव का ये धर्मेंद्र जी तो चुनाव का, उसके बाद जो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस के सामने वो निम्नलिखित जो है वो सामने आया है तो उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया उसी दौरान ये राम कुमार वर्मा और ये आपको संजीव कुमार जी, ये भी आ गए तो भी गिरफ्तारी की गई। और उसी गिरफ्तारी के दौरान थोड़ा उनके साथ जो लोग थे थोड़ा इस चीज में थोड़ा विरोध अपना प्रकट किए कि गिरफ्तारी होगी। फिर उनको समझाया बुझाया गया, गिरफ्तारी उनकी लीगल हुई है, गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी हुई है तो लीगली वो अपना उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय का फिर जैसा आदेश होगा यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत उनकी अरेस्टिंग हुई तो अभी मतलब मान्य न्यायालय भेजा जा रहा है। हाँ, मान्य न्यायालय भेजा जा रहा है, मान्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा। और ये 353 का मामला है क्योंकि सरकारी कर्मी के साथ व्यवहार एवं मारपीट की बात प्रकाश में आई थी या FIR उसमें हुआ है तो जिसमें 353 वगैरह जो है केस होता है उनका प्राथमिकी दर्ज की गई है। और प्राथमिकी अभियुक्त होंगे चार प्राथमिकी अभियुक्त जिसमें तीन की गिरफ्तारी हुई है, एक को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, कोई भेजा जाएगा। ठीक है।